से पंछी को गीत सिखाए वो उसकी आंख में आंसू आए तो बादल गिर जाते हैं उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है तुलसी मोरे अंगना तुलसी मोरे अंगना रोज दरवाजे पे देखती थी कि आप आ जाए साथी आ जाए अम्मा जी आ जाए मेरी बेटी को इन्होंने कैद करके रखा और मुझे पता भी नहीं चला बाबूजी मुझे मुझे चक्कर आ रहा छोड़ छोड़ तू छोड़ तू लेट जा बेटा मैं पानी खरीद बाबूजी सिर पे तो पानी भी नहीं है तू ले मैं पानी लेकर आता हूँ ये कोई है अरे मेरी बेटी बेहोश हो गई अजीत बाबू अरे कोई तो सुन लो अरे इसमें पानी नहीं है दीदी लगता है तुलसी बेहोश हो गई चलिए ना चल के देखते हैं पगला गई हो क्या चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो देखते तो है बाप बेटी करते क्या है अरे अजीत बाबू देखते हैं चुप रहो पहले बाप बेटी को घर से निकल जाने दो दीदी भैया जी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे बहुत खुश होंगे वो उन्होंने तो मुझे कहा था कि कोई तुलसी को लेने आए तो फिर मना मत करना सच्ची दीदी भैया ने ऐसे बोला था तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ बड़ी आई थी महारानी बनकर राज करने इस घर में अब वही पुरानी झोपड़ी में चली जाएगी तो सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी इसकी हाँ दीदी कल की लौंडिया हमें नाच मचा रही थी अच्छा हुआ ये ले बेटा हाँ शाबाशी मत कर ये ले तू ठीक है ना कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही ना नहीं बाबूजी चल सकेगी ना मेरे साथ अपने घर हाँ बाबू जी कैसी हालत करती है इन्होंने मेरी बेटी की कितना नूर था इसके चेहरे पर गांव में गली गली घर घर खेला करती थी अरे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और मुझे पता भी नहीं चला अगर मुझे तत्ती भर भी पता चल जाता तो मैं एक पल भी अपनी बेटी को यहां नहीं छोड़ता फौरन ले जाता बाबूजी नहीं अब बिल्कुल मत रोइए रो नहीं तेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ आ टूटा और तू कहती है कि मैं रो नहीं चल बेटा चल तेरे बाप की बूढ़ी हड्डियों में भी इतना दम है कि वो तेरा भार उठा सके दीदी मुझे तो लगता है सच में बीमार है वो अरे बिल्कुल नहीं नौटंकी बाज है पिता को देखकर नौटंकी कर रही है
बाबूजी, एक बार दीदी लोग से मिल लूं। इस घर में कोई ऐसा नहीं है बेटा जिससे तू मिलना चाहती है। दीदी, दीदी मैं जा रही हूँ। हम लोग कहाँ हैं? किससे बातें कर रही है बेटा? दीवारों से? अरे ये ईंट की दीवारें कुछ नहीं सुनेंगी अब। एक बार पैर छू लेना चाहती थी। यहाँ कोई नहीं है तेरा, ना तेरी सास, ना वो तेरा साथी जो तेरी बात सुन सके। चल बेटा। तुम हाँ दो दिन। हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा कर रही हैं दुल्हन। यहाँ इन हैवानों के बीच में रहकर घुट घुट के मरने से बेहतर है यहाँ से चले जाना। लेकिन दुल्हन, हमको एक बात का बहुत दुख रहेगा। आपने हर मुसीबत में हमारी सहायता की, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आई तो हमें याद भी नहीं किया। आपकी इस दुख की घड़ी में हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता था। आपने सारा बोझ बाबूजी पे डाल दिया। नहीं बाबूजी, ये हमको दीजिए। आइए दुल्हन। चलो अच्छा हुआ सुमित्या भी निकल गई। अब इस घर में भला ही भला होगा। थोड़ा गंगा जल होगा ना तो छिड़क लो घर में। इनकी छाया का अंश भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। सुनो बहू, कल शेखर से घी मंगवा लेना। तुलसी माँ बनने वाली है ना, तो उसको मेथी के लड्डू, सौंठ और कुछ पकवान बना के भेजने हैं। माँ जी, तुलसी के ससुराल में कौन सी कोई कमी है जो कि पकवान यहाँ से जाएगा? अरे शगुन का बेटी को भेजना पड़ता है ना। वैसे रिवाज के हिसाब से तो पहला बच्चा उसका मैके में ही होना चाहिए। खरवास चल रहा है ना, इसीलिए उसको बुला भी नहीं सकते। तुलसी को इस हाल में लेके आए आप? आप जानते हैं ना कि बेटी की विदाई नहीं होती खरमास में। तू क्या करता? अरे मरने देता इसे मैं वहाँ। बताइए नहीं क्या हुआ? कुछ मत पूछो तुलसी की माँ, क्या हुआ? वो घर वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। क्या कह रहे हैं आप? मैंने बाबू और सुमित्रा भाभी के जाने के बाद इस पे जो जुल्म हुए तुम सोच भी नहीं सकती। क्या क्या किया उन लोगों ने? इसकी तबीयत खराब है, इसे तुम आराम करने दो। तुम एक काम करो, इसे अंदर लेके चलो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। चलो बेटा अंदर चलो। क्या हो गया बेटा तुझे? क्या किया उन लोगों ने? पहले विनय के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब मां के साथ, फिर
तुलसी इस तरह से अचानक घर से चली गई, कुछ ही दिनों के भीतर इस घर में इतने बड़े बड़े तीन हादसे हो गए और हम कुछ नहीं कर पा रहे, यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम कर भी कर सकते हैं भैया जी, कर रहे हैं ना? कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, करने का नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अरे बल्कि हमें तो लगता है कि क्या लगता है आपको? पता नहीं, लेकिन दिल कहता है कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? इन दिनों भैया का बिहेव कुछ ठीक नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है कि सब भैया करवा रहे हैं? शक तो होता है। भांग खा लिए हैं का? भैया जी कराएंगे ये सब? ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जरा सोचो, भैया ने ना दुल्हन को विनय से मिलने जाने दिया, ना ही हमें जाने दिया, और यहां तक कि फोन पे बात भी नहीं कर पाई। और मां, मां के बारे में ये बताया कि वो मौन व्रत धारण करके आश्रम चली गई। अरे जिसका बेटा मेंटल हो गया हो, अस्पताल से गायब हो गया हो, वो उसको ढूंढने के लिए दिन रात एक करेंगी या आश्रम में जाके मुंह पे ताला मार लेंगी? लेकिन भैया जी झूठ बोलेंगे का? पता नहीं, पर मुझे भैया की बातों पर विश्वास नहीं होता। हाँ हाँ, विश्वास कैसे होगा? विश्वास के लायक तुम्हारे भैया ने किया ही क्या है? बाबूजी के देहांत के बाद ये घर रास्ते पर आने वाला था। किसने संभाला इस घर को? आपके भैया जी ने। आपका बिजनेस, विनय बाबू की पढ़ाई, शादी का खर्चा आपने किया? नहीं ना, सब भैया जी ने किया। आपके भरोसे रहते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन भाभी, बात इसकी नहीं है। तो किसकी है देवर जी? सारी जिम्मेदारी बस भैया की है, आपकी कुछ नहीं? आप क्यों नहीं जाते ढूंढने विनय बाबू को? आपने क्यों नहीं रोका दुल्हन को? नील मेघ निकालना बड़ा आसान है देवर जी, लेकिन जिम्मेदारियों को संभालना बड़ा मुश्किल। हाँ तो कोई हमको इस लायक समझे तब ना। हाँ तो संभालिए ना, रोक कौन रहा है? मांगे कुछ जिम्मेदारी अपने भैया से? मांगेंगे, काहे नहीं मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया है, काहे बहस कर रहे हैं दीदी से? हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दुल्हन को जिस तरह से घर से निकाला गया वो ठीक नहीं हुआ। निकाला नहीं गया है प्यारे देवर जी, उसके पिताश्री उसको लेकर गए हैं, और मैं तो कहूं अच्छा हुआ उसको लेकर गए। एक तो घर में इतनी सारी मुसीबत, ऊपर से उसके पागलपन की हरकतें, कौन झेले उसे? और अगर आप लोगों को ही झेलना है तो बुला लीजिए उसे वापस और करा लीजिए अपनी बीवी से उसकी सेवा, समझे ना? आप बिना बेमतलब की माथा पच्ची में लग गए। आपको क्या फर्क पड़ता है कौन का कर रहा है, कौन का नहीं कर रहा, कौन कहाँ चला गया, कौन सी बात के पीछे का राज है? चुपचाप नहीं रह सकते? अरे लेकिन विनय का, अब विनय कहाँ गया है, अम्मा जी कहाँ गई है, तुलसी कहाँ गई है, सब कठे का आपने ले रखा है। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, भैया जी है ना ये सब देखने के लिए। पूनम, जो कुछ हो रहा है ना उसको देख के आंख बंद करके नहीं रह सकते। भैया के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो पता करना ही पड़ेगा। तुम क्या चाहते, लड़की हम सबका घर में जीना मुहाल कर दे? अम्मा नहीं है, विनय नहीं है, कौन संभालेगा उसे? लेकिन भैया इसमें संभालना क्या है, अरे वो कोई बच्ची थोड़ी है। बच्चियों को ही संभाला जाता है, वो एक जिद्दी औरत है, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए उसका दिमाग फिरे और वो छज्जे से छलांग लगा दे नीचे, मर्डर केस बन जाएगा, सब लोग सलाखों के पीछे होंगे। उसके साथ जैसा बर्ताव हो रहा है ऐसे में कोई भी जिद्दी हो जाए। कैसा बर्ताव हुआ उसके साथ है? उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, उसे किसी से बात करने से रोका गया, यहां तक कि उसे अपने घर वालों से बात करने से भी रोका गया। ऐसी हालत में तो कोई भी इंसान उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगे। वो सब दबाव बनाने के लिए किया गया था,
दबाव बनाने के लिए उसे मोबाइल और घर वालों से दूर रखा गया ताकि केदार चाचा प्रेशर में आए और उसको ले जाए, हमरे सर से भला टले, और कोई हमारा मकसद नहीं था। विनय के साथ हादसा पे हादसा होता गया और दुल्हन को उससे मिलने से रोका गया, ये जानते हुए कि दुल्हन उसकी बीवी है, आपको क्या लगता है ये सब ठीक हुआ? विनय की हालत थी ऐसी कि वो किसी से मिल सके, वो पहचानता दुल्हन को, विनय को देखकर अगर ये औरत बेकाबू हो जाती तो कौन संभालता? और माँ, माँ के बारे में आप क्या कहें? उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और प्रयाग के आश्रम में चली गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में हो क्या रहा है। देखो जी, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है हमारे पास, पर तुम ये फैसला कर लो कि तुमको सवालों के जवाब चाहिए या तुमको बिजनेस में हिस्सेदारी चाहिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आर्किटेक्ट कॉलेज में विनय अहम पार्टनर है हमारा, और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए हम नहीं जानते कि वो हमारा पार्टनर रहेगा कि नहीं रहेगा। हमें एक मेहनती आदमी की जरूरत है, तो हमने सोचा कि तुमको हिस्सेदारी दे दी जाए। और विनय तो वापस आएगा ना? देखेंगे, ये सब उसकी दिमागी हालत पे निर्भर करता है कि वो कैसा है, तभी हम कुछ फैसला ले पाए। और दुल्हन? दुल्हन भी तो उसमें एक अहम पार्टनर है। हाँ तो वो रहेगी, किंतु देखो अजीत, पिछले 2 महीनों में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, अब ज्यादा नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी साफ साफ बात सुनो, अगर तुम्हें हम पर भरोसा है तो तुम हमारे हिस्सेदार बन जाओ, और अगर नहीं है तो तुम्हें सब सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन बाबू तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं 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 भैया, मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप जो कुछ कर रहे हैं वो इस घर के भले के लिए तो कर रहे हैं, है ना? भैया मुझे भी तो बिजनेस करना है ना, आगे बढ़ना है, लाइफ में तरक्की करनी है, मैं इन सवाल जवाबों के चक्कर में पड़ गया तो तरक्की कब करूंगा, है ना भैया? इस झील के किनारे लाना तुमको बहुत अच्छा रहा, झील की ठंडी हवा से तुमने बिल्कुल एकदम सही फैसला लिया है, एकदम सही फैसला। बहुत कमजोर हो गई है ये, इनके शरीर में खून भी नहीं बन रहा है। इनके ठीक से ना खाने की वजह से इनके साथ साथ इनके बच्चे में भी बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चे पर तो कोई खतरा नहीं है ना? अभी तो केस बिगड़ा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। मैं कुछ दवा लिख देती हूँ, आप टाइम से दीजिएगा और उनके खान पान का खास ध्यान रखिए। कैल्शियम में विटामिन सी गोलियां हैं, आज ही मंगवा लीजिए। जी जी, अब मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। जी लाइए। कैसी पत्थर दिल है तुम्हारी जेठानी साहब, उन लोगों को तेरी इस हालत में जरा सा भी दया नहीं आई, घर का सारा काम करवाती रही, वो भी इस हालत में।
मत तुलसी, जो हुआ उसे भूल जा। माँ, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। और जब साथी आएंगे ना तो वो भी यही रहेंगे, हम दोनों अब हमेशा यही रहेंगे। हाँ बेटा, यही रहना। हमारे पास ये घर तेरा ही तो है बेटा। अगर हमें पता होता ये हमारी भूल सी बच्ची पर इतने जुल्म कर रहे हैं तो हम बहुत पहले तुझे वहां से बुलवा लेते। छोड़िए ना माँ जी, इन सब बातों का क्या फायदा। इन सब बातों से इसके दिमाग पे जोर ही पड़ेगा और बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा। इसे आराम करने दीजिए। आराम कर। हाँ